गोरखपुर प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि ठंड में प्राणी उद्यान केंद्र में अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था बनाई गई है। बंदरों और सांपों के बाड़े में कंबल रखा गया है जिससे उनको ठंड न लगे। यदि ज़्यादा ठंड रहती है तो अलाव भी जलाया जाता है। हम लोगों ने हर बाड़े में पुआल रखा है। उन्होंने कहा कि पुआल ऐसी जगह रखा गया है कि यहाँ से हवा आती है जिससे कि जानवरों को ठंड न लगे। इसके अलावा बाघ व शेर के बाड़ों में हीटर व ब्लोअर लगाया गया है और सांप के घर में एसी लगा हुआ है जिससे टेम्परेचर मेंटेन रह सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने कहा, ठंड तो बहुत है, इसको देखते हुए जो भी हम उपाय करते हैं, चूंकि अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। अभी आप देखेंगे कि जो बंदर हैं और जो सांप हैं इनमें कंबल दिया गया है ताकि वो कंबल में बैठ जाते हैं, और हिरणों के बाड़ों में दिन के समय तो अलाव भी जला दिया जा रहा है ताकि ठंड से थोड़ी सी राहत मिले अपने यहाँ, चूँकि गोरखपुर के क्षेत्र में पाला भी गिर रहा है तो उसके लिए भी बचने के लिए थोड़ा सा अलाव की व्यवस्था की गई है। बाकी वहाँ पर हम लोग हर बाड़े में कम से कम 2 से 3 स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुआल रखे हुए हैं जिससे कि उस पर जानवर बैठते हैं, और वो पुआल ऐसी जगह रखा गया जहाँ पे हवा का असर भी कम रहे और वहाँ पे ऊपर से भी आसमान भी ढका रहे, ऐसी जगहों पे पुआल बिछाए गए हैं। इस तरीके के व्यवस्थाओं को हमने हर हिरण के बारे में कर रखा है। भालू से लेके टाइगर, लायन, लेपर्ड और भी जो अन्य वन्य जीव हैं जो रात को अपने नाइट सेल में आके रहते हैं, उन सभी बाड़ों में ब्लोअर, हीटर ऐसी व्यवस्थाएँ की गई हैं। साथ ही साथ जो हमारा सांप घर है, सांप घर में एसी का प्रबंधन किया गया, उसमें वीआरबी सिस्टम लगा हुआ है जिससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। एक नियत तापमान जो हमारा 27-28 डिग्री के आसपास, उसको मेंटेन करके रखते हैं जिससे सांपों को कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी कुछ वन्य जीव ऐसे हैं जो पानी वाले हैं, जैसे कि दरियाई घोड़ा है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, इन सभी में पानी जो है लगातार बदलता रहता है जिससे कि ताज़ा पानी पड़ता रहा एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो सामान्य जो ठंडा हो रहा है पानी वो निकलता रहता है, तो पानी का तापमान मेंटेन करके रखते हैं जिससे कि उन वन्य जीवों को राहत रहे।